देश विदेश बैठे साडे दर्शकों का स्रोतों का स्वागत जी आया धन्यवाद। जिमें दस्या जा चुका कि रोजाना किसी ना किसी खेत्र दे विच वडमुलियां सेवावां निभा रही उस परसनैलिटी उस शख्सियत दे तुहानू दर्शन करवाए जांदे ने। अज साडे साहित्यक हलकियां दी एक मन्नी परमन्नी शख्सियत स्टूडियो च पहुंची है, कुलविंदर विरक। किसी जाण पछाण दे मुहताज नहीं, इन्हां दीआं किताबां वी छप चुकियां ने ते इन्हां नूं तुसी सोशल मीडिया ते अक्सर सरगर्म देखदे हो। पहलां आपां इन्हां नूं जी आयां कहीए। कुलविंदर विरक जी, स्टूडियो पहुंचण ते तुहाडा धन्नवाद, स्वागत जी आयां नूं। मेरे वल्लों प्रोग्राम देख रहे सारे ही दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, सत श्री अकाल। तुहाडा भी मंदिर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मेहरबानी जी। कुलविंदर विरक जी तो आपां दो चार गल्लां साहित्यक हलकियां नाल जुड़ियां ही पुछनियां ने, भावें विद्यक खेत्र दे नाल भी जुड़े हुए ने, समाज सेवा दे खेत्र नाल भी, ते हर खेत्र ते हर विषय ते इन्हां दी पूरी पकड़ है, पर आपां सिर्फ अज साहित्यक हलकियां तक ही सीमित रहना है। सो कुलविंदर विरक जी, पहलां ये दसो भी पता लगा कि तुहाडियां कुछ किताबां भी छपियां ने। जी सर, मेरिया दो काव्य संग्रह छप चुके हैं। पहला जूहां 2011 विच आया सी, उस तो बाद 2014 विच विराग ते चिराग, एक तीसरा कहानी संग्रह 16 दिसंबर, और एक हुण इस टाइम छपाई अधीन है, वह है निबंध। उहदे विच सर ने उहदे च की तुसीं सुनेह दित्ता समाज नूं? मेरे जो काव्य संग्रह है उहनां विच साडी जो पिछोकड़ है पंजाबी सभ्याचार, साडा पंजाबी पेंडू विरसा है, मेरा उही संदेश मेन तौर ते रिहा। और जो मेरा कहानी संग्रह है, जिन्नियां भी कहानियां मेरियां छपियां ने जां जिन्नियां कहानियां मैं कहिण दी कोशिश कीती आ, उहदे विच साडे जो अणगौले रहि गए आ साडे समाज दे पात्र, जिन्हां दा वोट बैंक च तां हिस्सा हुंदा पर असल च नोट बैंक च कोई हिस्सा नहीं हुंदा उहनां दा। तां मेरा मेन जिहड़ा मकसद उही रहा कि उहनां नूं एक बंदा उहनां दा मान सम्मान दित्ता जावे, तां कि उहनां दी गल वी असीं अग्गे मंच ते लै के आईए। इस तरह अज ना एक नैतिकता की कमी करके समाज च बड़ी गिरावट आ रही है। जी बिल्कुल, उहदे बारे साहित दा की योगदान है? असल च जी साहित दा मुख मकसद ही इह आ कि आम लोकां नूं, आम लोकाई नूं उन्हां दीआं नैतिक कदरां कीमतां नाल जोड़ के रखना। असीं वेखदे हां कि बाबा फरीद जी तों लै के बाबा बुल्ले शाह तक, या वारस तों लै के शाह हुसैन तक, ये सारी सानू नैतिक कदरां कीमतां नाल जोड़दे आ। बाबा फरीद जी की बाणी किन्नी महान असीं पढ़दे हां ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब विच। उस तो बाद शैव पात्र होए ने, बहुत महान साडे साहित्यकार होए ने। तो कुल मिला के जो साहित दा मुख मकसद ही इह आ कि साडी जो नैतिक गिरावट आ रही है समाज विच, उस नूं असीं दूर करके कदरां कीमतां नूं उभारीए। खास करके नौजवान पीढ़ी नूं सेहत नाल जोड़न दा हुण बहुत वड्डा उपराला करना चाहिए सानूं। कुलविंदर विरक जी नूं आपां पुछदे हां वी नौजवान क्यों नहीं जुड़ रहे, बच्चे क्यों नहीं रुचि लै रहे साहित च? असल च जी जिथों तक मेरा विचार आ, मेरे ख्याल अनुसार जिहड़ा नौजवान आ हुण उह मुढ़लियां कदरां कीमतां टुट चुक्किआ। जो सोशल मीडिया का प्रभाव है नौजवान, हाँ, फेसबुक नाल तां जुड़ना चाहुंदा, व्हाट्सएप नाल तां जुड़ना चाहुंदा, जिहदे चों मिलना कख भी नहीं, मिलना कुछ नहीं, ते जिहड़ा साहित है खजाना है, जिहड़ा भंडार है ज्ञान दा, उधर देख के भी किताबां नाल जुड़ के राजी नहीं। असीं जिहड़ा व्यक्ति एक 4 या 5 रुपए का अखबार खरीद के नहीं पढ़ सकता, तो वह 50 या 100 रुपए की किताब खरीदनी उहनूं बहुत औखी लगेगी। जदों कि साडा मुख मकसद साडा स्कूली विद्या दा, साडी कॉलेजी विद्या दा, साडे जो प्रोफेसर साहिबान ने, विद्वान ने, उन्हां दा इस टाइम जो मुख मकसद होना चाहिए दा, वो यही चाहिए दा कि साडी नौजवान पीढ़ी नूं वध तो वध सहत नाल जोड़न जी। उहदे वास्ते उपराले करन, साडियां सभावां, साडियां सहि सभावां, साडियां अकैडमियां, खास करके जो हर साल इन्ने वड्डे बजट करवा के समागम करवाउंदियां, पर उह नौजवान हाले भी सहत नाल टुट्टिया होया। अपने खुशवंत बरगाड़ी जी ने पीपल फोरम बरगाड़ी, उन्होंने वालों साहित नाल जोड़न की बड़ी कोशिश बहुत बहुत कोशिश की नौजवानों ने। बिल्कुल जी, ये बहुत वड्डा उपराला उन्होंने। एक ना कुलविंदर जी, तुसी बनाया शब्द सांझ मंच जी सर, ये तुहाडा अक्सर अखबारां च पढ़न नूं मिलदा है जी, बिल्कुल। वो किस मकसद लई बनाया गया सी? असल च जी शब्द सांझ मंच एक निवेकला मंच आ, उन्हें उहदा मुख मकसद असीं इह मन के चले आ कि जो साढ़े अणगौले रह गए साढ़े समाज विच साहित्यकार, पर उन्होंने एक समर्थ साहित्यकार वजों बहुत काम किया, उन्होंने बहुत वधिया कार्य किया साहित विच, पर उन्होंने एक बनता मान सम्मान जो प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकिया, उन्होंने असी रूबरू करवाना। दूसरा है कि जो नौजवान पीढ़ी जो चंगा लिख रही है उन्होंने असी होर मोटिव करिए, होर उस प्रेरणा दईए कि ता कि साहित नाल जुड़ सकन नौजवान। और इस मकसद तहत असी हर साल कविता पुरस्कार शुरू किया होया,
इस बारे तीजा पुरस्कार समागम होना सी पर करोना के कारण थोड़ा जिहा लेट हो गया। सो इस करके साडा मुख्य मकसद यह है कि जो एक तो अणगौले रह गए ने और दूसरा नौजवान शायरां नूं वध तो वध प्रमोट करना, उन्होंने हल्लाशेरी देनी। उन्होंने एक तो गुरविंदर सिंह जलालियाना ने अपने नाल पिंड जलालियाना जीपुरे जी, जी। उन्होंने आपकी फेसबुक पर लिखा बई किताबां सानू रोटी नहीं दिंदियां पर तुहाडे हिस्से की रोटी कौन खा रहा वह जरूर दसदियां ने। वह जरूर दसदियां ने बिल्कुल। असल च कविता लिख के सानू कदे रोटी नहीं मिल सकती पर कविता लिख के समाज नूं सेध बहुत दे सकते हैं। कहानी लिख के लेख लिख के बहुत वड्डा साडे समाज नूं सुनेहा दिया जा सकता पर इहदे विच किते ना किते जो पब्लिशर है ने वह जरूर रोटी खाने खा रहे ने पर साहित्यकार नूं इहदे विचों कोई बहुता कमाई दा साधन नहीं बनता पर संतुष्टि होंदी आ। जिवें एक बार नानक सिंह ने कहा सी कि उन्हां नूं किसे सवाल पुछिया सी कि तुसीं साहित लिख के समाज विचों की भला करना चाहुंदे हो तो उन्होंने कहा कि तुसीं हर रोज़ एक औरत घरे झाड़ू लगाउंदी आ तां उह दूसरे दिन फिर खलारा पै जांदा ते उन्हें तां उन्हें अपना काम करदे रहना वो हुंदे रहना सारा कुछ खिलारा जो है उन्हें समेटदे रहना यही साडा काम आ साहित्यकार दा। आओ जे ना समेटू तो कूड़ा वधजू। बिल्कुल जी तो यही काम आ ये साहित्यकार दा काम होना चाहिए किसी का भी कि उसनों ये समाज में फैली गंदगी फैले कूड़ कबाड़ अप दूर करन दा साफ करन दा अपने यतन करते रहने चाहिए। इन्हां सरकारां साहित्यकारां लई कुछ नहीं कर रही जी बिल्कुल। समाज साहित्यकारां नूं ओह बंदा सत्कार नहीं दे रहा जी। साहित्यकार समाज का शीशा हुंदा बिल्कुल दर्पण हुंदा उस दे बावजूद भी साहित्यकारां दा सत्कार क्यों घट रहा। असल च जी सब तो वड्डी तो असीं तुहाडे सवाल च इह जवाब लुकिया पिया कि सरकारां साहित्यकारां नूं उन्नी हल्लाशेरी नहीं दे रहीआं उन्हां साहित्यकारां दा सन्मान नहीं हो रहा एक सरकारी पद्धर ते जदों के होना चाहिए। असीं बाकी भाषावां विच वेखदे हां जिवें बंगाली आ जां असीं बाहरलीआं भाषावां देखदे हां रशियन है रूसी साहित्यकार ने उन्हां दा उन्हां दीआं सरकारां बहुत ज़्यादा सन्मान करदीआं ने। जदों साहित्यकार नूं उन्हां दी इक शाहकार रचना दे बलबूते ते इन्ने वड्डे सन्मान मिल सकदे आ उन्हां दीआं भाषावां उह जिन्हां नूं उह प्रमोट करदे ने उन्हें सरकारां उन्हां नूं इह मान सन्मान दिंदीआं ने तां उह आटोमैटिकली अपने आप जो है ने साडे समाज दा हर एक वर्ग साहित नाल जुड़ना चाहूगा। कुलविंदर विरक जी तुहाडी गल चों इक गल चेते आ गई कहिंदे ने जिहड़े यूरोपीयन कंट्री ने जी ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਝੋਲੇ ਚੋਂ ਬੈਗ ਚੋਂ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢਣ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਪਾਨ ਆ ਜਪਾਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਘਰ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਤਾਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਗੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ 15,000-20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੋਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫੋਨ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ 'ਚ ਨਿਘਾਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜੀ ਇਹ ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਸਲੋਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਆ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਲਿਖੀ ਆ। ਪਾਤਰ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋਏ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸੈਫੀ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਮਕਾਲੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਲੋਚਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਰੇਕ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਦੀ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਤਾਬ ਦਿਓ ਤੋਹਫਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਚ ਨੇ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਵਿਰਕ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਜੁੜੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਹੈ।
कुलविंदर विरक ने बहुत वधिया एक नुकता सांझा किया अपने सारयां लई सुझाव दिता है। ये कहिंदे ने कि तुसी किसी खुशी दे मौके ते महंगे तो महंगा जां सस्ते तो सस्ता गिफ्ट देने की बजाए शगन देने की बजाए उस कीमत दियां किताबां लैके दे दो, उहदा गिफ्ट पैक करके दो। ये बड़ा वधिया नुकता है। कोई गल कुलविंदर जी मेरे वल्लों रह गई होवे ते तुसी सांझी करनी चाहो तां? बस यही हैगा कि सहित नूं असीं उन्ना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिंदे जां सानूं जिन्नी देनी चाहीदी है पंजाबी सहित नूं और चंगे सहित नूं। एक मेरे नौजवान शहरां वास्ते एक मैं जरूर एक गल कहनी चाहांगा कि असीं फेसबुक ते सिर्फ 2-4 सत्रां लिख के अपने आप नूं बहुता वड्डा लेख ना समझिए, किताबां पढ़िए, अध्ययन करिए। बहुत साडा असल 'च मैं वेखदा कि साडी नौजवान पीढ़ी 'च अध्ययन की बहुत घाट आ, असीं स्टडी बहुत घट करते हैं। जिन्नी देर असीं अध्ययन नहीं करांगे उन्नी देर सानूं असीं सहत नाल चंगा सहत चंगी रचना नहीं रच सकांगे। सो इस करके सब तो पहला अध्ययन बहुत जरूरी आ, छपण की ज फेसबुक से जां होर सोशल मीडिया से बहुत ही लिखण की काल ना करो। कुलविंदर जी तुसीं बहुत सारे पंजाबी अखबारां छपदे रहिंदे हो ते सारे तुहानूं पढ़दे रहिंदे ने, मैं खुद भी पाठकां तुहाडा प्रशंसक हाँ इस गल्लों। कोई कविता दे तौर ते दो कबंध जे सांझे करने चाहो तां प्रेरणा स्रोत होण? मेरा एक शेयर सी कि एक बार नहीं वार वार लगातार भेजी है, एक बार नहीं वार वार लगातार भेजी है, हनेरियां दा बल परखन लई दीवियां दी डार भेजी है। वाह जी वाह, क्या बात है क्या बात है। ए दोहरायो दोबारा। एक बार नहीं वार वार लगातार भेजी है, दीवियां दा बल परखन लई हनेरियां दा बल परखन लई दीवियां दी डार भेजी है। ये ना साहित्य च रुचि रखण वाले जे नौजवान तुहानूं संपर्क करना चाहुण तुसीं अपना नंबर दे सकदे हो? बिल्कुल जी, मेरा सोशल अकाउंट है कुलविंदर विरक, फेसबुक ते मैनूं फॉलो कर सकदे हो या तुसीं मैनूं वट्सएप कर सकदे हो 7816454133। इस ते तुहाडे नाल संपर्क भी कीता जा सकदा है, वट्सएप भी कीता जा सकदा। जो भी नौजवान साहित्यकार जो नवें लेखक ने वो मैथों कदों भी किसी भी वक्त गाइडलाइनस लै सकदे ने। कुलविंदर विरक जी ने बहुत सारे नौजवानों जा बच्चों साहित नाल जोड़िया जिहड़े थोड़ी बहुती रुचि रखते सीगे। इन्हां दी सोच यही है कि नौजवानों ते बच्चों साहित नाल जोड़ना समय की मुख लोड़ बन चुकी है। नैतिक कदरां कीमतां तां ही उहदे च उपजनगियां जेकर आपां नूं साहित नाल जोड़ांगे। होर सवाल बड़े सी पर कुलविंदर विरक जी शब्दां दा भंडार है इन्हां कोल, जवाब की कोई कमी नहीं, समा इजाजत नहीं दिंदा। कुलविंदर विरक जी फिर तुहानू किसे दिन बुलावांगे, तुहाडा बहुत धन्नवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी, मेरे वल्लों प्रोग्राम देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्नवाद, तुहाडा भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। दर्शको तुसी अपने टिप्पणियां जरूर करनियां ने, प्रतिक्रम राही दसना जरूरी समझना कि यह प्रोग्राम तुहानू किवें लगा, तुहाडा भी साडे लई समा जिहड़ा दित्ता बहुत धन्नवाद। सत श्री अकाल जी।